अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, वेलकम टू लेक्चर ऑफ जनरल साइंस। आई एम योर टीचर हसान मंसूर। इन प्रीवियस लेक्चर यू लर्न अबाउट ह्यूमन हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर, कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और उनके अंदर किस तरह से उनकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होती हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड ब्लड ने एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तो वो किसके थ्रू होती है, वो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी में एक जाल बिछा होता है ब्लड वेसल्स का, जो कि क्या काम करती हैं, जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी तीन मेन जो है वो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तीन जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं ब्लड वेसल्स की आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स क्या क्या काम करती हैं ये अब हम देखते हैं इनको। सबसे पहले आर्टरीज। अब आर्टरीज जो हैं ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि आपकी हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। यानी आपके हार्ट में, आपका हार्ट क्या करता है, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ कि आपका हार्ट जो वो पंप करता है, ठीक है, तो वो ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। तो आपके हार्ट से जो ब्लड जाना है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ वो किन ब्लड वेसल्स के थ्रू, किन नालियों के जरिए जाना है, वो इन आर्टरीज के जरिए जाना है, ठीक है। अब ये जो आर्टरीज होती हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बड़ी थिक और फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल और थिक इसलिए होती हैं ताकि एक तो जो ब्लड होता है वो इजीली, ब्लड के अंदर आपको पता ब्लड सेल्स होते हैं डिफरेंट, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, उन ब्लड सेल्स का कोई ना कोई साइज भी होता है, तो ताकि वो जो ब्लड सेल्स हैं वो ईजीली इन ब्लड वेसल्स में से पास कर सकें। और दूसरा, अगर उसके अंदर कोई क्लॉट बन जाता है तो आपकी ब्लड वेसल जो वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी एक्सपेंड भी कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो आर्टरीज होती हैं इनकी वॉल्स थिक एंड फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। अब ये जो आर्टरीज होती हैं ये कौन सा खून कैरी करती हैं, ये ऐसा ब्लड जो है वो कैरी करती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन जो है वो मिक्सअप हुई होती है, ठीक है। यानी आपकी बॉडी में जो ब्लड ब्लड जाना है, यानी कि आपकी बॉडी को क्या चीज़ चाहिए, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हम किस तरह से लेते हैं, हम इनहेल करते हैं थ्रू आर लंग्स, हमारे फेफड़ों के अंदर जो है वो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उससे जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड लंग से जाती है ब्लड सेल्स के अंदर, और वही ब्लड जो है वो आपके हार्ट की तरफ आता है, ठीक है। अब ये इस हार्ट से ऑक्सीजनेटरी, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ जाना है किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। क्यों डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि इन आर्टरीज ने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स की तरफ लेकर जाना होता है, लंग्स ने फिर क्या करना होता है, उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स करनी होती है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द आर्टरीज जो है उनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनके अंदर कौन सा ब्लड होगा, उनके अंदर बगैर ऑक्सीजन के, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑलराइट। अब आर्टरीज जो हैं ये फर्दर आगे आपकी बॉडी के अंदर जाके तो डिवाइड करती हैं, छोटी छोटी स्मॉल वेसल्स बना देती हैं और उनका एक पूरा जाल बिछा देती हैं, जिसको हम कैपिलरीज का नाम देते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो ये देखें, ये जो रेड कलर के अंदर आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, ये सारी ये हैं आर्टरीज, ठीक है। अब आर्टरीज जो हैं जब आपकी बॉडी के अंदर आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाती हैं तो ये फर्दर डिवाइड होकर इस तरह से पूरा एक नेटवर्क बना देती हैं छोटी छोटी वेसल्स का, जिनको हम कैपिलरीज का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ की जो हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है,
उसके अंदर जो फूड होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वो कैपिलरीज के ब्लड में से आपके सेल्स के अंदर क्या करती है, डिफ्यूज़ कर जाती है। डिफ्यूज़ करने का क्या मतलब है कि वो उसके अंदर पास ऑन हो जाती है, ठीक है, उसकी वॉल्स को क्रॉस करके, ठीक है। सो फूड और ऑक्सीजन आपकी ब्लड कैपिलरीज से डिफ्यूज़ कर जाती है सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सेल्स के अंदर, वो डिफ्यूज़ कर जाती है किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज में जो ब्लड होता है उसके अंदर। देखें इधर मैं आपको दोबारा डायग्राम से बता देता हूँ कि आपकी ये जो कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज में से क्या होगा कि कैपिलरीज में से जो फूड होगी, जो ऑक्सीजन होगी, वो आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स को मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एक बड़ा नेटवर्क है कैपिलरीज का, तो कैपिलरीज में जो ब्लड होगा, उस ब्लड में से ऑक्सीजन एंड फूड, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, वो आपके सेल्स को चले जाएंगे, पास ऑन हो जाएंगे आपके सेल्स को इस तरह से, ठीक है। जिस जो जो सेल्स उधर मौजूद होंगे कैपिलरीज के साथ, और उन सेल्स में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, जो आपने एक्सहेल करनी है, वो सारी चीज़ें पास कर जाएंगी किसके अंदर, कैपिलरीज के ब्लड के अंदर वापस, ठीक है। तो दो चीज़ें हो रही हैं, आपके कैपिलरीज के ब्लड में से जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपके सेल्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं, और सेल्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो डिफ्यूज़ करिए वापस इनटू द कैपिलरीज ब्लड। ऑलराइट, ओके। अब ये जो कैपिलरीज जो हैं, वो दोबारा से एक दूसरे के साथ मिलती हैं और रीज्वाइन करती हैं एक दूसरे के साथ मिल के, तो बड़ी वेसल्स जो हैं वो बनाती हैं, उन वेसल्स को हम नाम देते हैं वेंस का, ठीक है। अब ये वेंस जो हैं, अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके लिए, ठीक है। अब ये जो वेंस हैं, ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि आपकी बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेकर आएंगी किसकी तरफ, हार्ट की तरफ, ठीक है। आर्टरीज क्या काम कर रही थी, वो हार्ट से ब्लड लेकर जा रही थी टू योर बॉडी पार्ट्स, लेकिन वेंस क्या काम कर रही हैं कि आपके बॉडी पार्ट से वापस ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ लेकर आ रही हैं, ठीक है। अब चूंकि डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आ रही हैं, तो वो ऐसा ब्लड होगा जो बगैर ऑक्सीजन का होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्यों? क्योंकि जो आर्टरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर गई थी आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर, वो उधर से कैपिलरीज के थ्रू आपके सेल्स के अंदर ऑक्सीजन चली गई है, ठीक है। तो अब आपकी बॉडी का ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ कर गई है आपके कैपिलरीज के ब्लड में से आपके सेल्स को, तो सेल्स में से वापस जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो आपकी वेंस के थ्रू हार्ट के अंदर आना है, और हार्ट ने दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो दोबारा सप्लाई करना है। लेकिन सेम उसी तरह से पल्मोनरी वेंस जो होंगी वो करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, क्योंकि आपके हार्ट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसलिए जो पल्मोनरी वेंस होंगी ये लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो आपके हार्ट की ओर सप्लाई करेंगी, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट बना हुआ है, और ये जो है वो जो रेड कलर के अंदर वेंस आपको, सॉरी, ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, दीज आर आर्टरीज, और जो ब्लू में अंदर नज़र आ रही हैं वो वेंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी के अंदर पूरा एक नेटवर्क बिछा होता है ब्लड वेसल्स का, जो कि आर्टरीज ब्लड लेकर जा रही होती हैं, वेंस वापस ब्लड लेकर आ रही होती हैं, तो इस तरह से ये ब्लड वेसल्स काम करती हैं।